आप पौधे तैयार कीजिए, जो भी सबसे आसान तरीका, उससे आप उसको बढ़ाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोनिका ट्रेन तो फील्ड पे बताए गए प्रैक्टिकली, सबसे जरूरी है पॉलिनेशन। शायद आप लोग बोलते होंगे पॉलिनेटर, सभी बोलते हैं कि पॉलिनेटर लगाएंगे, क्या हमारे को पता है कि पॉलिनेशन और पॉलिनेटर में क्या फर्क है? पॉलिनेटर होते जी हमारी हनी बीज वगैरह, मधुमक्खियां वगैरह, जो पोलन को इधर से उधर देते हैं। दूसरी चीज हमारे को समझनी पड़ेगी सेब के विषय में, क्योंकि सबसे सेंसिटिव पार्ट है फूल। आपको फूल की संरचना समझनी पड़ेगी, वेराइटीज और पौधे जो भी हमारे सेब के हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कई होती है सेल्फ पॉलिनेटिंग वेराइटी, ठीक है जी, कई होती है क्रॉस पॉलिनेशन वाली। जो ये हमारा रेड डिलीशियस है, लाल सेब है, चाहे वो स्पायरल रॉयल है, ये कौन सा पॉलिनेशन मानता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस करेगा, इसके जो फूल के अंदर जो परागकण होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। होना तो ऐसा चाहिए था कि फर्टिगेशन के लिए मेल फीमेल के कॉन्टेक्ट में आए, मगर जो हमारा रेड डिलीशियस है उसमें ऐसा होता नहीं है, उसके लिए अलग से क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो चीजें तब आएगी जब आप पॉलिनेशन पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहला कार्य क्या करना, आपने पहला प्रूनिंग का, दूसरा कार्य जो करना है अपने बगीचों में पॉलिनेशन का। जब भी आप पॉलिनेशन वेराइटीज लगाएंगे, चाहे आप ग्रेनी स्मिथ लगाइए, गोल्डन लगाइए, रेड गोल्डन लगाइए, या कोई और चीज आप लगाते हैं, तो कम से कम दो या तीन प्रकार का पॉलिनेशन आपके बगीचों में होना चाहिए। अगर मैं इमीडिएट की बात करूं, आप सोच रहे होंगे कि एकदम रातों रात कैसे हो जाएगा, कि मेरे को तो 10 साल लगेगा, भी 5 साल तो लगेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, कलम विधि से अपने पौधों में कलमें करनी है। उस कलम को आप तीन तीन चार चार भी कर सकते हैं एक साल में अर्ली के लिए। उसके साथ एक बड ग्राफ्टिंग आती है, मतलब आप फीमेल की टहनी लेंगे गोल्डन और रेड गोल्डन की, उसको पूरा गुच्छाई ग्राफ्ट कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, उसी साल में आपको फूल आ जाएगा जूस में। तो सबसे अच्छा जो पॉलिनेशन वेराइटी है जो मैंने पर्सनली फील किया वो है ग्रेनी स्मिथ। मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, शानदार है, और कोई मुकाबला नहीं उसका। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते कि जी हम गाला लगाते हैं, तो मेरी जो नॉलेज है या जो मैंने भी पढ़ा है समझा है, तो गाला का इतना ज्यादा रोल नहीं है पॉलिनेशन में, ना वो सेल्फ पॉलिनेशन वैरायटी है, उसके भी पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। रेड डिलीशियस और ग्रेनी स्मिथ उसका उल्टा पॉलिनेशन करते हैं, तो जो परफेक्ट पॉलिनेशन वैरायटी आएगी वो ग्रेनी स्मिथ, गोल्डन और रेड गोल्डन। तो ये आप लोगों ने देखना कि आपने लगाना क्या है। रेड गोल्डन के लिए मैं अब मनाही करूंगा, क्योंकि पूरा हो चुका है, पुराना हो चुका है, रंग नहीं आता है, दिखता अच्छा नहीं है। तो ग्रेनी स्मिथ बहुत अच्छे रेट देता है, तो आपको ग्रेनी स्मिथ पे कार्य करना चाहिए। और शुरुआत में आप जब कलमे करेंगे उसके साथ साथ आप पौधा भी तैयार करते रहे और बाहर की शाखाओं में करें, और जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं कि उसको फिर रखना ही आपने, फिर धीरे धीरे आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। आपके जो भी सदस्य मेरे पास कुछ साल पहले आए थे विजिट पे, इन्होंने मेरे बगीचे में देखा होगा, शायद अगर इन्होंने शेयर किया होगा, मेरे हर पौधे में एक सेंटर में कलम है रेड गोल्डन की, क्योंकि उस जमाने में जब मैंने की थी सन 2000 में, इतनी मोटाई हो चुकी है उसकी सेंटर में। ऐसी प्रॉब्लम कितने लोगों को आती है कि आपने कलम की और उसने उसकी ग्रोथ ले ली और पौधा खत्म, हाथ खड़ा करेंगे सभी लोग? मेरे बगीचे में इतनी मोटी कलम है, 2000 की कलम हुई है सर, 2000 की, और उसकी हाइट 2 से 2.5 फीट है। ठीक हो रहा मैडम, देखिए आपने भी वो कैसे हुआ, मैंने उसको ऊपर नहीं जाने दिया, मैंने उसको ट्रेन करके चार टहनियां लगभग चार दिशा में बैठ करके घुमा दी, जो ही शूट ऊपर आया उसको, और आज क्या स्थिति होगी, वो इतना मोटा और इतना छोटा है, मगर वो अंदर से, तो आप इमेजिन करिए कि मेरी फसल कैसे मरेगी, क्योंकि मेरे पास पॉलिनेशन स्ट्रॉन्ग है। फिर दो घड़ी के लिए मान लो कि मेरे, मैं अभी गांव की बात कर रहा था अपने, कि मेरे पूरे गांव में फसल थी, उसका क्या रिजल्ट आया,
उसका ये रीजन रहा कि अगर मेरे पड़ोसी के नीचे तो मेरे तो थे पॉलिनेशन, यहाँ होना पूरी वैली में किसी के ही कम होने, सबके ही कम होने। और दूसरी, हम हनी बीज पे बहुत ध्यान देते हैं, जरूरी नहीं कि एक बड़ा ग्रोवर है कि वो 50 बक्से लगाएगा और एक छोटा ग्रोवर है वो कुछ नहीं लगाएगा। हम लोग सब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा, दो दो चार चार सभी लोग लगाते हैं और इतनी हनी बीज हो जाती है हमारे गाँव में या पंचायत में कि हमारे को ज्यादा आवश्यकता। पहला स्टेप आपको ये देखना कि आपको पॉलिनेशन प्यार करना, आपके पास कल में तो अवेलेबल होगी, मगर इस मंच के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा जितने भी आप लोग यहाँ पर हैं या कुछ लोग वीडियो के माध्यम से हमारे को सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को किसी भी वैरायटी की कलमे अगर चाहिए तो आप मेरे ऑर्चर्ड आ सकते हैं, मेरे घर आ सकते हैं। और जितनी ये कलमे हैं ये साल दर साल हमेशा फार्मर को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। और ये कई सालों से चला रहा है, एक एक दिन में 700-700 लोगों को भी हमने इंटरटेन किया जिनको हमने अपनी बढ़ोड़ दी है। मगर मेरे बगीचे में सिर्फ वही वैरायटीज आपको मिलेगी जो ऑथेंटिक है, जिसकी वो पुरानी नहीं होगी, वो होगी जिसके सैंपल हमने लगभग 4-5 साल कंटिन्यूसली चेक किए। आज आपने देखा होगा नई वैरायटी आप लगाते हैं, कुछ साल बाद वो डिप कर जाते हैं, उसमें कलर नहीं आता या कोई प्रॉब्लम आती, वो इसलिए आती है कि हमारी अंधी तोड़ है वैरायटी के पीछे। सेब सिर्फ लाल बिकता है, हरा बिकता है और पीला बिकता है, इसके अलावा कोई सेब बिकता नहीं। जब आप मार्केट में जाते तो ये बोलते हैं कि लाल है जी, तो लाल है तो लाल, हमने लाल से पैदा करना है। वो वैरायटी की दौड़ छोड़ दो, लगाया हमने भी सब है, मगर हमने ये देखा कि जो पुरानी वैरायटीज थी जो कुछ साल पहले हमारे को यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के माध्यम से मिली थी वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, जैसे कि इसका लड्डू रेड डिलीशियस में। तो ऐसी हाइट के लिए अलीगंज में बहुत अच्छी आ रही है, ऑर्गेनिक लड्डू बहुत अच्छा आ रहा है मिड और हाइट के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं कि अगर कलमे नहीं है, जो तो पॉलिनेशन जो तो ग्रैनी स्मिथ की कलमे है उसके तो चाहे आप पिकअप में भर के ले आओ, वो तो इतनी उपलब्ध है, क्योंकि मैंने अपना ज्यादातर बगीचा ग्रैनी स्मिथ पे शिफ्ट किया है और 1200 से लेकर 1500 तक में 10 kg के हाफ बक्सिस, 8 से 10 किलो के बक्सिस बेचता हूँ काफी सालों से, लगभग 2011-12 से बेच रहा हूँ। और लाल सेब से हमेशा ऊपर बिकता मेरा सेब, पैसे भी मुझे ज्यादा मिलते हैं उसमें, आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपको जो पहला कार्य करना है पॉलिनेशन और प्रूनिंग और ट्रेनिंग में बीमार वर्क करना। अब दूसरी बात आती है जी, आजकल का जो सबसे सही समय है और जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन फार्मर को उठते हैं कि जी प्रूनिंग का सही समय क्या है। प्रूनिंग का सही समय है सेब आने से पहले, लगभग अगर आप फरवरी में प्रूनिंग करेंगे तो सबसे बेस्ट है। जिनके पास लेबर है या जो खुद प्रूनिंग करते हैं तो जितना आप लेट करेंगे उतना फायदा रहेगा, जितना आप अर्ली करेंगे उतना कैंकर वगैरह की प्रॉब्लम आपके ज्यादा। उसका एक बड़ा रीजन है जी, सिंपल भाषा में समझाता हूं, आज मैंने एक टहना कट किया और वो घाव कब भरेगा, लगभग अप्रैल में, तो आज से लेकर अप्रैल तक कितने महीने हैं, 4 से, तो 4 से 5 महीने तक वो घाव रहेगा खुला ओपन, तो ऊपर से पाला भी पड़ेगा, बर्फ भी पड़ेगी, बारिश भी आएगी और वो जो घाव है वो सड़ना, क्योंकि हमारे जो पौधा है वो बहुत बड़ा है इसलिए हम हर जगह उसमें पेस्टिकल नहीं लगा सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर तो जो तो ये हाई डेंसिटी है ना जी, 8-10 साल का पौधा है, उससे 2 शाखा निकाल के पट देंगे उसमें पेस्ट लगा, मगर आपको लेट करनी। फिर मजबूरी आती है जहां आपके ऊपर के जो हाइट है वहां पर बर्फ गिर जाती है, टूट हो जाती है, कई लोगों के पास लेबर नहीं मिल पाती, तो मजबूरी में भी काम करना पड़ता है, तो उस मजबूरी में आप जरूर कर सकते हैं जल्दी, अदरवाइज आप ले जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज आप लोगों के बीच होगा वो होता है खाद को लेकर, जो भी मुझे भी फोन आ गए कि खाद क्या डालें।
आप लोग विश्वास करेंगे कि मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि आपकी खाद कौन सी पड़ी। मुझे क्या पता कि आपकी मिट्टी को और आपके पौधे को चाहिए क्या। हम ना जी यूज्ड बेस्ड लोग हैं, मतलब कल्चर है बना हुआ, इस महीने में ये डालना है तो डालना है, अगले महीने में ये डालना है तो। जबकि क्या होता है जी, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है 97% हमारे को कुदरत उपलब्ध कराती है न्यूट्रिशन। कितनी परसेंट? 97%। सिर्फ जो हम एडिशनल ऐड करते हैं वो कितना करते हैं? सिर्फ 3%। अब उस 3% में भी हमारे को देखना पड़ेगा, मगर सबसे महत्वपूर्ण रोल है उन 3% का कि हम किसको कितनी रूप में डाल सकते, कितनी मात्रा में डाल सकते। तो जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो रहता है 3 पोषक तत्व, वो रहते हैं एन पी और के, नाइट्रोजन सुपर और पोटाश। इसमें आपने जैसे पी एन के क्यों नहीं लिखा गया या के एन पी क्यों नहीं लिखा गया, क्यों उसको एन पी और के बोले? जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है एन, सबसे प्राइमरी न्यूट्रिशन। सेकेंडरी में क्या आएगा? बी। थर्ड में क्या आएगा? के। जो आपकी कनोपी है, जो वुड लकड़ बनता है, वुड है ना जो पौधा बना, वो जो सबसे ज्यादा बनाता है वो कौन सा न्यूट्रिशन रहता होता है? नाइट्रोजन। वुड प्रोड्यूसर भी बोला जाता है उसको, लकड़ पैदा करता है। इसीलिए नाइट्रोजन जरूरत है, सुपर की जरूरत है, पोटाश की जरूरत है, तीनों न्यूट्रिशन होगी। उसके साथ एक जो इसको अलग श्रेणी में आप बांट सकते हैं, लगभग 2 श्रेणी में इसको आप बांट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिशन। प्राइमरी न्यूट्रिशन में आपका एनपीके और उसके साथ एक एडिशनल ऐड करूंगा होता है कैल्शियम। आगे जी फिर आई जी सेकेंडरी। सेकेंडरी में आ गया आपका जिंक आ गया, बोरोन आ गया, मैंगनीज आ गया, मैंगनीज, ये सारे जो थोड़े थोड़े न्यूट्रिशन। लगभग 17 से 18 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है एक पौधों। अब आप हैरान होंगे कि क्या सब कुछ डालना पड़ेगा या हम नहीं डालते? आपको कुछ नहीं डालना है। लगभग जो हमारी भूमि है उसमें सारे न्यूट्रिशन उपलब्ध है। आप जो ये छोटे न्यूट्रिशन है इसको आप स्प्रे के माध्यम टॉनिक तो डालते ना आप लोग, वो एक तरह से वो उपलब्ध कराना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है न्यूट्रिशन की, तो हमने बात कर दी। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये उपलब्ध कैसे होते। आप सोचेंगे कि मैंने यूरिया का कट्टा लाया, पौधे में डाला और पौधे ने ले लिया, ऐसा नहीं होता। आपको ये देखना पड़ेगा कि नाइट्रोजन के कितने रूप होते, किस रूप में उपलब्ध है। यूरिया फॉर्म में है, अमोनिकल फॉर्म में है, नाइट्रेट फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म होते हैं, समझते ना आप इस चीज को। तो जो यूरिया होता है पहले, जब आप क्योंकि ज्यादातर लोग यूरिया डालते हैं, जैसे आप यूरिया डालेंगे केमिकल रिएक्शन होगा, विघटन होगा, उसके बाद जब वो कन्वर्ट होगा सबसे पहले वो अमोनिया में जाएगा, उसके बाद वो नाइट्रेट में जाएगा, और जो आपका पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करेगा वो हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में करेगा। उसका एक समय लगता है, उसका प्रोसेस होता है, और वो जो विघटन करते हैं वो होते हैं सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी मिट्टी में उत्पन्न होते हैं। और कभी भी एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए खादों का। मेरे अपने बगीचे में लगभग मुझे नाइट्रोजन को छोड़ के जो बाकी न्यूट्रिशन लगभग 15 साल तक नहीं डालना है, इतना ऑलरेडी उपलब्ध है मेरी जमीन में। आपका खर्चा भी बढ़ेगा, आप अलग अलग बीमारियां डालेंगे। पौधा बोल रहा है मेरे को नाइट्रोजन चाहिए, आप बोले खा, तो बोलेगा दे, ऐसा नहीं, वो उतना ही लेगा जितने उसको जरूरत है। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे उससे आपकी मिट्टी की संरचना खराब ही होगी, मिट्टी खराब ही होगी। अगर आप थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझ लेने, भूमि और मिट्टी बहुत फर्क है। मिट्टी होती है एक तरह से बेजान, भूमि माँ का रूप दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, तो जो भूमि है उसको भूमि बने रहने दे, उसको मिट्टी ना बनाए, बोलते हैं मिट्टी में मिल गया।
राजस्थान की भूमि बोली जाती है, क्या बोला जाता है? राजस्थान की मिट्टी, मतलब ये बोला जाता है कि वो शायद उपजाऊ नहीं है, रेत है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको भूमि को बचाना। अब ये जो न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिशन की मैंने बात करूंगा या आप रोज डालते हैं, वो तब पौधे को उपलब्ध होते हैं जब आपका मिट्टी का पीएच सही होता है। तो सबसे पहला कार्य जो आजकल आपको करना है, अपने जब भी आप खाद की बात करेंगे ना जी, अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे ना दुकानदार के पास और कंपनी वाले को, तो बोलेगा कि ये डाल दे, और आप धोते रहेंगे और डालते रहेंगे, बचेगा कुछ नहीं। तो सबसे पहले आपको अपनी भूमि की जांच करनी है। अभी कल ही मुझे पता लगा कि आपके यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम उपलब्ध नहीं है। फिर मुझे पता लगा कि संजीव भी एक कोशिश करिए कि एक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लाया सॉइल टेस्टिंग का। अब एक प्रॉब्लम इनको आ गई है कि जी हमारे पास उसको जांचने वाला साइंटिस्ट नहीं है। वैसे इनको भी मैंने बताया, आपको भी मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी से भी बात करूँगा इस विषय में कि हमारे को एक साइंटिस्ट या तो यहाँ करने के लिए बीच में उपलब्ध कराए, या कुछ लोगों को यहाँ पर या तो यहाँ के कुछ लोगों को उस मशीन के साथ हमारे कॉलेज में ही ट्रेनिंग दे दें। तो जब अपनी पहल शुरू करी, और कल मेरी डील हॉर्टिकल्चर से भी ये बात हुई कि जी क्या हम यहाँ पर एक अच्छा, अभी उन्होंने बताया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे इसके लिए, तो फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि शायद यहाँ पर अगर सॉइल टेस्टिंग की एक लैब हमारे कॉलेज में अगर उपलब्ध हो, मैं बोर्ड में भी ये बात उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उससे पहले चर्चा करेगी थी, क्योंकि बोर्ड में तो तब उठाएगी थी जब पॉसिबल होगा, ऐसे थोड़े भी टाइम पास के लिए उठाना है। मगर मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम इसके ओर कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी सॉइल की टेस्टिंग होगी तब तक कुछ नहीं। उसके बाद एक और टेस्टिंग आती है, वो आती है पत्तों की जांच, 15 जून से 15 जुलाई के बीच। पत्तों की सैंपल लीजिए आप, वो आपको यूनिवर्सिटी भी बता देंगे कि सॉइल सैंपल कैसे लिए जाते हैं, लीफ सैंपल कैसे लिए जाते हैं, आपको पता भी होगा। तो जब आप मिट्टी की जांच करेंगे या पत्तों की जांच करेंगे, उसका क्या फायदा है? आप सोचेंगे कि भूमि की जांच होगी तो हो गया, पत्तों की क्यों करनी हमने? ये होता है किसान का सियापा जैसा लगता है। अब आपको समझना पड़ेगा, बहुत बार ये देखा गया है, जो अगर आपके मान लो सॉइल में आपको बोला गया कि नाइट्रोजन बहुत है, सुपर बहुत है, पोटाश बहुत, मगर जब आपने पत्तों की जांच करी और उसमें कमी आ गई, अब फिर आप परेशान होंगे कि अब क्या करूं, खाद डालूं? एक सोचेंगे नहीं। आपको ये भी पता हो रहा होगा कि धीरे धीरे हमारा देश केमिकल खेती को छोड़ के नेचुरल फार्मिंग की ओर जा रहा है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, गवर्नर हमारे और हमारी यूनिवर्सिटी प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे हमारे को जो डिपेंडेंसी हमारी केमिकल पे, उसको थोड़ा सा कम करना, और वो तब होगा जब आप जांच करेंगे। फिर आप परेशान होंगे कि ऊपर तो नहीं पहुंचा, क्या करूं? तो जी उसके लिए आते हैं मोनोलाइजिंग बैक्टीरिया, एनपीके के अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं मार्केट में भी मिलते हैं, जो नीचे की चीज को ऊपर पहुंचाते हैं। आपको डालने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी सरप्लस है। जो ये हमारा हिमालयाज है, इसमें तो सुपर और पोटाश की कमी ऐसे भी नहीं है, नाइट्रोजन इसलिए कमी आती है कि वो लीच होती है, बहती है। खास तौर पर जैसे अभी बरसातें ज्यादा होती है, यहाँ पर जो आपका क्लाइमेट है ज्यादा रेनी रहता है, मुझे पता है इस बारे में, तो यहाँ पर ज्यादा बहती है नाइट्रोजन। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने ये गारंटी देता हूँ, जिस दिन आप सॉइल और लीफ टेस्टिंग करेंगे, अगर आपके बगीचों के खर्चे 70% कम नहीं हो गए, तो मुझे बताओ 70% खर्चे कम हो गया आपके, और भूमि मिट्टी नहीं बनेगी, वो भूमि ही रहेगी। तो इसीलिए आपका दायित्व है कि सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच करें। आप ये बात ना करें किसी से कि मैं खाद क्या डालूं, आप इसके लिए मेरे को फोन करें कि डिंपल भाई हमने आपको व्हाट्सएप भेजा है हमारी ये रिपोर्ट है। वैसे तो आपको साइंटिस्ट भी बता देंगे यहाँ पर, अगर वो नहीं बताएंगे तो आप मेरे को फोन कर सकते, किसी और की सलाह ले सकते, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, कि हमारी जो ये रिपोर्ट है अब हम कैसे करें इसको, उसके लिए आप जरूर फोन करें, क्योंकि हर परिवार की अपनी आवश्यकता, हर खेत की अपनी आवश्यकता होगी। करेंगे जी ये काम, पॉलिनेशन भी हो गया आपका, आपको कलमे भी मिल गई, न्यूट्रिशन के खर्चे भी मैंने आपके बचा दिए।
की ट्रेनिंग में अभी आपको दूंगा। अब दूसरी बड़ी बात आती है जी कि जो आगे की थोड़ी सी मैनेजमेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के को समय दूं, कोई बात नहीं, मैं रात को भी सफर कर लूंगा वापसी का। तो आदमी या किसान के रूप में अगर मैं बात करूं, वो सबसे ज्यादा परेशान कब होता है आप लोग? जब आपके फ्लोरिंग का होते हैं, इस बात को सिर्फ लगनी चाहिए, मेरी तो शादी है, मैंने तो घर बनाना है, या हमने कोई बिजनेस करना है, पिछले साल भी सेल नहीं हुई, ये परिवार की बातें जी होती है, परेशानी तो होती है। आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरे माइंड में ना जी पिछले लगभग 20 साल से कभी ऐसा नहीं आया कि सेब नहीं, मुझे पहले ही पता कि सेब तो लगेंगे। सिर्फ एक चिंता जरूर होती है, भगवान ना करे कभी ऐसा नहीं हो कि फूल ही नहीं आए। अभी तो फूल के तो कैसे लगेगा, अगर मेरे बगीचे में फूल आ गया ना जी तो ऐसा हो नहीं सकता कि सेब ना। उसका रीजन है कि हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, आपकी भी अच्छी है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे से मेहनत 1000 गुना आप लोग हैं, मैं तो घूमता ही रहता हूँ, आप लोग अपने खेतों में काम करते हैं, मेरे तो माता जी पिताजी देख रहे हैं बेचारे नीचे बुढ़ापे में भी। तो आपको ये देखना कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली आपकी मैनेजमेंट आएगी जिसमें आप परेशान होगे, वो होगी सेटिंग को लेकर, ओके जी। तो जो सेटिंग है वो कैसे होती है? सबसे पहले तो आपका जो फूल आए वो जानदार होना चाहिए, सिंपल भाषा में ताकत होनी चाहिए उसके अंदर। कई बार आपने देखा होगा कमजोर फूल आता है, छोटी सी पंखुड़ी आती है, इतनी अट्रैक्टिव नहीं होता है फूल, वो ढीला पहले ही लगता है। इसका मतलब कि आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी नहीं। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सबसे मेजर रोल प्ले करती है सेब उड़ान के बाद। घर में एक औरत को आपने देखा होगा प्रेग्नेंट होती है हमारे घर में, तो जब वो बच्चा दे देती है उसके बाद यहाँ भी होगा जी कल्चर, पूछ के रूप में जाते ना आप लोग, कोई घी का डब्बा लेगा, कोई काजू बादाम लेगा। आजकल तो मॉडर्न हो गए, गाय तो रखी नहीं है, काजू बादाम दे देते। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक माँ की एनर्जी खत्म हुई है बच्चे पैदा करने में। तो आप ये कभी सोचा आपने कि जो एक पेड़ है उसने तो सेब रूपी कितने बच्चे दिए हैं हमारे को, हमने तो तोड़ दिए। पौधा जो न्यूट्रिशन उठाता है वो अपनी सीड डेवलपमेंट जर्मिनेशन के लिए उठाता है, अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, और आपने उसको तोड़ दिया। तो उसके बाद पौधा क्या है, शॉक में और स्ट्रेस में। तो जब आपने उसको स्ट्रेस से बाहर निकालना है तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनी है, चाहे आप किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन सॉइल के माध्यम से देते हैं या सप्रे के माध्यम से देते, उसका इंपैक्ट आपको फूल पे दिखेगा। अब दो घड़ी के लिए मान लो आपको ये लगा कि जी अब तो समय हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट भी निकल गया, पत्ते भी झड़ गए, प्रूनिंग भी कर दी हमने, अब आगे ऐसा क्या करूं मैं कि जिससे सेब की ज्यादा लगने की संभावनाएं हो जाए। वो मैंने आपको बता दिया कि आपको पॉलिनेशन का इंतजाम करना मधुमक्खी। अगर आपको ऐसा लगा तो सबसे पहले जो आप मेहनत शुरू करेंगे वो करेंगे पिंक बर्ड से। पिंक बर्ड तो समझते हैं ना सभी लोग, तो जो पिंक बर्ड है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जो वहां आपको पता हो जाता है, क्योंकि जब शुरुआती एक आध फूल खिलता ना जी, उससे आपको पता लगेगा कि फूल भी कैसी मजबूत है। लगता नहीं पता? लगता तो मैं सबको पता, प्रैक्टिकली आज सब मेहनत करें। तो आपको ये देखना पड़ेगा अगर वीक है तो हम क्या करें, क्या ऐसा डालें वहां पे जिससे उसमें जान आए। तो जो मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि जो मैंने अप्लाई किया है, आपने एक नाइट्रेट फॉस्फोरस सुना होगा 1261 1264 इस टाइप में आते हैं मार्केट में, 100-150 रुपए का किलो आता होगा, 100-150 रुपए का आता है। तो जब आप उसको डालेंगे वो एक एनर्जी बूस्ट करेगा जी पिंक बर्ड में, ठीक है जी। तो जब आप उसको डालेंगे 200 लीटर पानी में तो वो एक एनर्जी देगा आपको। उसके बाद जो अगली स्प्रे आपकी आएगी या जिसमें आप कर सकते हैं कुछ, वो होता है लगभग जब आपके बगीचों में 10% के करीब फूल खिल जाए। जब खिल जाएगा आपके बगीचे में थोड़ा थोड़ा फूल, तब आप बहुत सारे लोग कहते हैं ड्रिप और बोरवेल की स्प्रे। अगर ये रेनी एरिया है
पिंक मई से मौसम खराब रहता है, मॉइस्चर ज्यादा आता है, तो एक प्रॉब्लम आती है अंदर से बीज सड़ने की, कॉर्नरोट बोला जाता है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग बेरी स्किन भी डालते हैं, देखो स्कोर भी डालते हैं, कुंटा भी डालते हैं। तो इनमें से जो भी आप ये सिस्टेमिक फंगिसाइड्स डालते हैं आप उसके साथ ऐड कर सकते हो, मिस्ट के रूप में स्प्रे करते हैं। आप 12 क्लास में कीजिए चाहे ये कीजिए, मिस्ट के रूप में लगभग जहां आपके 4 से 5 ड्रम स्प्रे पड़ते हैं वहां 1 ड्रम में स्प्रे हो जानी चाहिए हल्की हल्की सी फुहारा सा, आपको एनर्जी मिल गई। उसके बाद फूल का प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद आपके पास कोई ऐसी दवाई उपलब्ध नहीं है, सिर्फ एक चीज अवेलेबल है अगर आप कोई डालना चाहता है वो होता है कि पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आपने GA4 GA7 6B के बारे में सुना होगा, ब्रोमेलिन पेनिसिलिन ये चीजें सुनी होगी, अब तो ब्रोमेलिन निकल भी हो गया। तो सिर्फ अगर आप कोई फूल पे स्प्रे कर सकते हैं तो पीजीआर भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी ना डालें क्योंकि बड़ा सेंसिटिव होता है फूल, वो जल जाता है, वो सेटिंग नहीं दे पाता है। अगर आपको फ्रॉस्ट की प्रॉब्लम है, पारे की प्रॉब्लम है, आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम है, तो पीजीआर सबसे बड़ा रोल प्लेगा। और अगर आपके पास पॉलिनेशन की कमी है फिर भी वो रोल प्लेगा क्योंकि वो पार्थेनोकार्पी फ्रूट बनाता है, सीडलेस यानी बिना बीज वाला फल। आपने ग्रेप्स खाते नहीं, अंगूर वो इतने लंबे लंबे अंदर से बीज होता है, तो वो भी फॉल्स पॉलिनेशन है, उसको भी सीडलेस जो GA3 आता है उसमें डिप किया जाता है, तभी अंगूर तो गोली होता है जी, वो जो लंबा किया जाता है ना जी वो पीजीआर से किया जाता है उसको लंबाई इतने लंबे लंबे। तो पार्थेनोकार्पी फ्रूट होते हैं जो सीडलेस बनते हैं जिसमें बीज का विकास नहीं, सबसे अच्छा क्या होता है कि बीज वाला ही सेट होना चाहिए, तो साइज वगैरह जो छोटा रहता है उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है कि उसमें साइज छोटा है, इसमें सीड डेवलप नहीं होगा। आपने ऐसे ही जंगल देखना तो नीचे में जो सबसे छोटे सेल रहते हैं ना सेपरेटर, उसको काट के देखना उसके अंदर बीज ही नहीं होता है, कहीं तो बिल्कुल होते हैं आम के बराबर से, आप उसको काटेंगे तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कहीं में एक बीज होगा। तो लगभग 6 से 10 बीज का होना बहुत जरूरी है सेल में, तभी आपका अच्छा साइज आता है। उसके बाद एक प्रॉब्लम आती है आप सभी लोगों को जिसमें हमारा बहुत खर्चा होता है, वो होता है बीमारियां, खासतौर पर पत्तों की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने अपने बगीचों में स्प्रेस का खर्चा कम करना है और बीमारियों को कंट्रोल करना, जैसे इस साल तो सब जगह लीफॉल हुआ, मैं जब सुंदरनगर से ऊपर को आया जहां जहां भी मेरे को बीच बीच में जहां भी बख्तियार के आसपास जहां भी बगीचे दिखे नई पत्तियां मेरे को बहुत ज्यादा दिखी, इसका मतलब बहुत जल्दी लीफ फॉल हो गया था। आपको लग रहा कि ये साल बीत गया, अगले साल नहीं आएगा या इस साल नहीं आएगा, इस साल और ज्यादा आएगा क्योंकि बीमारी आपके पास है। तो इसका इलाज होता है अगर आपने सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है, जब आगे आप सोचेंगे मैं स्प्रे करूंगा कोई घना नेटिव डालूंगा ये डालूंगा उससे भी नहीं रुकना, तो सबसे अच्छी अगर मैनेजमेंट हो सकती है वो होती है जी सर्दी की, विंटर की। जब आप अपने बगीचे में प्रूनिंग का कार्य खाली कर देंगे उसके बाद आप छिट्टे तो इकट्ठे करते हैं तो उसके साथ साथ पत्तों को भी इकट्ठा करते हैं आप पूरे बगीचों के, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये होता कि जब आप उसको गड्ढे में डाल के उसको डिकम्पोज कर दें, वेस्ट डिकम्पोजर आते हैं, या आप एक गड्ढा बना के जहां इकट्ठा करेंगे उसके ऊपर यूरिया का एक कट्टा डाल देना, क्या डालना वो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, गल जाएगा और उसकी खाद बन जाएगी, उसके बाद आप उसको रिसाइकिल भी करके यूज कर सकते हैं खाद के रूप में पौधों में, छिटे और लगभग इतनी टहनियां भी गल जाएगी, और ऊपर से ना पॉलीथीन डाल देना मोम जमा टाइप, उस कटे पर वो खाद बन के रूप में बन जाएगा। वेस्ट डिकम्पोजर आते हैं मार्केट में गलाने वाले, उसको तो आपने कार्य कर दिया लगभग, जब आपने वो इकट्ठा किया तो मेरे हिसाब से आपने जी लगभग 50% बीमारी को खत्म कर दिया उसी वक्त। अब दूसरी बात आती है कि जी पत्ते पूरी तरह साफ तो होते नहीं है, वो टूटते हैं, छोटे छोटे पीसीज रहते हैं देखो जमीन पे, तो जो फंगस है वो वहां पर खड़ी रहेगी आपकी जिंदा रहेगी, अभी तो डोरमेंस में जाएगी, आगे वो जैसे उसको ह्यूमिड कंडीशन मिलेगी वो ऊपर को आए। तो आपको क्या करना है, लगभग 15 किलो यूरिया 100-200 लीटर पानी में मिक्स करना है और स्प्रे के माध्यम से मिट्टी में स्प्रे करना है, उससे क्या हो जाएगा जो पत्ते बचे हुए आपके बगीचों में वो डिकम्पोज हो जाएंगे, तो जो अगली बार आपकी बीमारी आने की चांस है वो सिर्फ 5 से 10% रह जाएगी,
अब उतना तो हम भी कंट्रोल कर ही लेंगे सपरे से। अगर 100% आप बीमारियां रखेंगे, अगर आप 100% बीमारियां रखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसीलिए सर्दी की जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, आजकल दिसंबर जनवरी जब आपका समय लगे तो आप ये कार्य जरूर करें, मतलब पूरे खेत में। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, फिर आप सोचेंगे कि मैं तो करूंगा करूंगा, मगर जो पड़ोसी है वो नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो उसके नीचे की बीमारी। तो ये जो अवेयरनेस है, इसका मतलब है कि जो एक पूरा इलाका होता है वो सब लोग मिलके काम। और मुझे नहीं लगता कि सबसे सस्ता यूरिया से सस्ता मिलता है कुछ। और एक बात बताता हूं, आपको पता होगा स्कैब आती है, आपको पता है 83 में स्कैब आई थी, इधर हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह की स्थापना हो रही थी, पहले पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर था, बाद में हॉर्टिकल्चर को अलग किया गया। तो हमारे साइंटिस्टों ने, विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट थे वो, जिन्होंने 3 से 4 साल में पूरी तरह खत्म कर दी वो। मगर पिछली साल से पहली साल 2 साल पहले कश्मीर को स्कैब राज्य घोषित किया गया था, 90% फसल उनकी स्कैब से खत्म। तो आप ये सोचिए कि अगर मिलके काम नहीं करेंगे तो बीमारियां खत्म। और उस प्रैक्टिस से आपके स्कैब, अल्टरनेरिया, मार्सोलिना सारी ही चीजें कंट्रोल होगी, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सर्दी की मैनेजमेंट अवश्य करें, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। फिर आगे जो आपका स्प्रे का शेड्यूल है वो आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है बदल बदल के मॉलिक्यूल्स को डाल दें, फफूंदनाशी अलग अलग बदल बदल के, किसी को रिपीट नहीं करना। और एक महत्वपूर्ण बात, कोई भी दवाई का ओवरडोज ना करें। कि आपको लगा तो स्प्रे करते हैं कितना मिल जाता, 50-30 तो जी बहुत कम लोग है। जब हमारे पास सबसे पहले आया था हमारे बुजुर्गों ने बोला इतनी जैसी दवाई से क्या होता है, इतना सारा पानी है। बाद में क्या बोलते हैं, स्कोर भी खराब हो गई, बेसिकली स्कोर खराब नहीं हुई है, उससे रेजिस्टेंस बिल्ड हो गई है, या तो आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए जो नॉनी यूनिवर्सिटी के द्वारा डोज रिकमेंड होता है आप उसी में स्प्रे करें। आपने मेरी बोर्ड टाइप में भी देखा होगा 80-80 ml डलवाते हैं शॉपकीपर और दुकानदार, और रिकमेंडेड कितनी है 20 ml। तो आप सोच सकते हैं कि जो ड्रम आपको 250 का पड़ना था वो पहुंचा दिया आपने 1500 का, तो कैसे बचेंगे पैसे। तो स्मार्ट फार्मिंग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर क्या होता है, बेसिकली प्रोग्रेसिव फार्मर ऐसा नहीं होता, प्रोग्रेसिव फार्मर होता है कि हमारे को हर चीज का ज्ञान है, कोई हमारे को ठग नहीं सकता, एक साइंटिफिकली वे में हम चल रहे हैं। एक चीज आपने और देखी होगी, बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे आपने पूरे देश में लगते हैं, जब किसान वाली बात आती है, अन्नदाता लिखा होता है, देखो होता है, और उसमें किसान होता है, नीचे से नंगे पैर होते हैं, मिट्टी में दरारें पड़ी होती है, आसमान की ओर देखता, नीचे से धोती होती है उसके पास, ऐसा ही होता नहीं किसान। ICR के जब ये राष्ट्रीय अवार्ड मुझे मिला था तो वहां मैंने ये बात बोली थी, मैं कहती क्या ऐसा होगा किसान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कोट पैंट वाला, क्या ऐसा नहीं होगा किसान। हम ये मानसिकता बदलना चाहते हैं, जब देश को हम पाल रहे हैं ना जी, और दुनिया को हम पाल रहे हैं, मतलब किसान, तो उसकी शक्ल धोती वाली क्यों, क्या एक टिप टॉप आदमी नहीं हो सकता किसान, तो शक्ल बदलनी पड़ेगी, वो तब बदलेगी जब हम प्रोग्रेसिव कहलाएंगे और मेहनत करेंगे। ये हमारे को सोच बदलनी है। एक दौर में बोलते थे कि शादी तो जी वही करवाएंगे बेटी की जहां पर जो नौकरी वाला होगा, यहां भी चलता था सब, हमारे यहां तो चलता था। और आज ये सारी मानसिकता बदल गई है, आज जब पूछते हैं बगीचा कौन संभालता है, काम खुद भी करता है माँ बाप से करवाता है, प्रोग्रेसिव है, वाह। तो आप समझो सोच बदल रही है, क्यों, क्योंकि हम लोग इंप्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं, और जो लाइफ हमारे को कुदरत की मेहर मानी है इसको कि हम ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां सेब रूपी फल पैदा होता है, इसको आप गोल्डन समझिए, गोल्ड की तरह डायमंड है ये, किसी के अंडर रहने से अच्छा कि अपनी नौकरी करें, ठीक है जी। और ऐसी लाइफ कहीं नहीं मिल सकती,
मेरा सफर 10-15 हजार से शुरू हुआ था, आज हम 40 लाख के आसपास आके रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं चीज कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। हमने भी यहीं से किया, हम कोई हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट भी रहे, हमने मास्टरी की हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर, हम भी आपकी तरह किसान थे। ये जरूर है कि हम थोड़ी छोटी उम्र में प्रोग्रेसिव हो गए और हमारे को शौक था इस चीज में कुछ करने का, तो इसीलिए आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे करके काम करते हैं। और जब हमारे पास जमीन है ना जी, ये कुछ भी पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर लैंड होल्डिंग कैसी है जी लोगों के पास? कम है, इतनी कम होगी कि मैं भी एक सिर्फ 13-14 बीघा का बाग बना हूँ, इतनी होगी कम, इतनी कम है। चलो जी, फिर उसका भी मैं समाधान बताता हूँ। ये लोग आए थे जी मेरे पास, एक छोटा सा एक बगीचा है मेरे पास, एक खेत है जिसमें 38 के करीब पौधे, 37-38 पौधे स्तर के देखे। पीछे गए थे वहां पर बड़ी सेब की पेटियां, स्तर का बगीचा लगा है, 600-600 पेटियां उतरती है, लगभग 2 बीघा 2 बीघे का खेत है, प्रोडक्शन बहुत हाई है। अगर आपके पास जमीन कम भी है ना जी, तब भी आपका गुजारा अच्छे से हो सकता है। और थोड़ा सा हाई डेंसिटी का जमाना आ गया है, हाई डेंसिटी के बारे में भी करूंगी थोड़ी बात, रूट स्टॉक के बारे में, हाँ जी, क्योंकि भविष्य में यही खेती चल रही है। भले ही शुरुआत में खर्चे बहुत है, मगर जो रिटर्न्स है वो बहुत हाई है, क्वालिटी बहुत अच्छा आती है, रेगुलर फेयरिंग है। तो हाई डेंसिटी की मैं जरूर बात करूंगा, तो जमीन का आप ज्यादा रोना ना रोए, जितनी जमीन भी अगर आप उसमें भी मेहनत करते तो मुझे लगता है कि एक नौकरी के बराबर अच्छी जैसी नौकरी सोच लो आपके पास है, और काम भी मुझे नहीं लगता कि 2 महीने से ज्यादा हम करते हो। तो जी जो हाई डेंसिटी है उसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे बागवान युवा साथी सोचते हैं, सबसे पहला झगड़ा कहां से शुरू होता है, घर से। बहुत सारे जवान हो गए यहाँ पे नौजवान जो ये बोलेंगे मेरे पिताजी नहीं देते करते है जी, हम लोग पिताजी नहीं मान रहे। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने उस पिताजी के नजरों में वो इज्जत कमाई है कि वो आपको अथॉरिटी दे दी? क्योंकि माँ बाप के लिए हमेशा हम बच्चे रहे। मेरे पिताजी मेरे को पता क्या बोलते, हम नालायक है, क्योंकि हम बड़े नहीं हो सकते जब तक उनकी जीवन है ना, हम नालायक ही रहेंगे, सबके लिए नालायक रहेंगे अपने माँ बाप के। मगर हमने भी तो प्रूफ करा था, दौड़ा के भगाते थे जो मैं लेबर लाता था पिताजी, पेड़ से उतार के आगे मेरे पेड़ों को काटने, बच्चे की तरह मैंने पाले। तो आप सोचो हमने जो विश्वास हासिल किया, पहले आपको अपने पेरेंट्स के अंदर विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि हम काम करते हैं और कर सकते हैं, दिखाना पड़ेगा ये, तब आपको अथॉरिटी मिलेगी। शुरुआती तौर पे भले ही खेत मान लो कि खेत दे दो पिताजी मेरे को, इसमें मैं करता हूँ इसमें आपको, तब जाकर आपको अथॉरिटी मिलेगी, क्योंकि महंगी खेती है ये, इसमें एक्सपेंस बहुत होता है, बुजुर्ग सोचते हैं अपने कई दौर का, क्योंकि अभी हमने नहीं कमाया भी उनका कमाया खा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात आती थी जब आप खासतौर पर रूट स्टॉक पे शिफ्ट करते हैं, बहुत सारे बागवान ये सोच रहे कि ये बगीचा लगा है ऐसे ऐसे करके लगा दूंगा बगीचा हो जाए। जब भी आप रूट स्टॉक की फार्मिंग करेंगे, या तो आपके पास खाली खेत होगा या आपको कट डाउन करके पूरा बगीचा समतल करनी पड़ेगी भूमि, तब जाके आप रूट स्टॉक पे काट, आप फिलर के रूप में नहीं कर सकते रूट स्टॉक में। रूट स्टॉक के बारे में तो सबको पता है कि क्या होता है रूट स्टॉक, आपने सीडलिंग रूट स्टॉक सुना होगा जिसको आप पाउटी बोलते हैं, जो बीजू होता है जो बीज से तैयार होता है। एक आपने क्लोनल रूट स्टॉक सुना होगा जो चट्टी जो जड़ों से तैयार होता होगा। एक आपने सुना होगा टिश्यू कल्चर, जो टिश्यू लेके लैब के अंदर तैयार होता होता टिश्यू कल्चर। अब उसी तीन तरह के रूट स्टॉक में एक आरोप सिस्टम अंदर के सबसे छोटा बड़ा 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 आपने एमनाइन सुना होगा, सबसे ड्वार्फ में आता है, फिर उसके ऊपर आपने सुना होगा 106 M7 111 793, सुना जी M सीरीज आई, एमला सीरीज आई, आजकल जिनेवा सीरीज की बात हो रही है। तो ये सारे रूट स्टॉक के अलग अलग रूप है,
एक चीज क्लियर है कि जितना छोटा रूम स्टॉक आप लगाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी आपकी आएगी, चाहे आप M9 की बात कीजिए। मगर यहां हमारा फार्मूले गलती कर रहा है कि M9 के ऊपर स्पर वैरायटी पे काम कर रहा है, जैसे इसका लगे तो आप फेल हो गए। जब आप M9 पे काम करें तो विग्रस वैरायटी पे काम करना है, जेरोमाइन, रेड बिलॉक, किंग रॉड, गाला पे आप काम कर सकते हैं जब आप छोटे रूम स्टॉक लगाते हैं M9 पे। अगर आप 111 वगैरह लगाते हैं तो आप स्कारलेट वगैरह वैरायटी पे काम कर सकते हैं। आगे जी क्लियर बात के आपको पहले जमीन खाली करनी है या खाली खेत में बागवानी करनी है। दूसरा एक चैलेंज आएगा जी, जब आप करेंगे आपके पास पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, इंतजाम कर लो पहले पानी का। नो प्लांटेशन विदाउट इरिगेशन। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है पैसा। आपके पास शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना चाहिए। मेरे एक IFS फ्रेंड है, उनका हमने लगभग 5 बीघा में बगीचा लगाया, लगभग 1000 पौधा गाला का लगाया था उसमें, तो पौधे लगाने तक की जो खर्चा था 30 लाख रुपए। जिस दिन हमने प्लांटेशन की मैंने उनसे पूछा कि यहाँ तक कितना खर्चा आया, लगभग 30 लाख। मगर उसमें एक एडवांस बात ये थी कि उन्होंने ऑटोमेशन लगाया है, ड्रिप इरिगेशन की सबसे एडवांस विधि। मैं यहाँ दुकान में हूँ तो यहाँ से बटन दबाऊंगा और वहां पर ड्रिप इरिगेशन चलेगा और यहीं से बंद होगा, ठीक है जी। तो आपको ये पकड़ के चलना कि अगर आप 5 बीघा में लगा रहे तो आप 20 लाख के आसपास आएंगे। और M9 का एक हाई डेंसिटी का पौधा लगाने में 1500 से 1800 रुपए का पर पौधा खर्चा आएगा। वो पौधा सूखे चाहे चले वो अलग बात है, मगर लगाने तक आप ये सोच के चले कि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते। और ये भी जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ दिन रात ऐसे पलट देनी है दुनिया, 50 पौधे लगाएंगे, जितना पॉकेट है उसके हिसाब से काम कीजिए, 2 लाइनों से शुरू करिए, धीरे धीरे करके आप शिफ्ट भी कर सकते। क्लियर होगी ये बात। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आती है, जो सबसे लास्ट में बता रहा हूं मैं, वो है नॉलेज। जब तक आप पूरी तरीके से रूस्टॉक के बारे में नॉलेज गेन ना करें, तब तक रूस्टॉक पे बागवानी पे ना शिफ्ट करें। पहले आप हासिल कर ले जानकारियां, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, नॉन इंडस्ट्री चाहिए, आप ट्रेनिंग लीजिए कि कहां छांट कैसे की जाती है, न्यूट्रिशन का क्या, क्योंकि जो रूस्टॉक है उसको हर 10 दिन में आपको भोजन देना है, हर 10 दिन में न्यूट्रिशन देना है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शिफ्ट करें। और आपको लग रहा होगा कह रहे मैं तो पिछड़ जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, ये सोचते तो नहीं ना जी, सोचते नहीं, कौन कौन यूथ सोचता है कि मैं तो लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, सोचता कोई यहां? आपको पता मेरा हाई डेंसिटी में अभी एक भी पौधा नहीं है, मैं तो नहीं सोच रहा हूं। हाई डेंसिटी क्या है? पहले आप जो बगीचा है ना, अगर वो आपको रिटर्न अच्छी दे रहा है ना, तो मैं उसको क्यों कटूं? दूसरी बड़ी बात है, पहले मैं पैसा जमा कर दूं, जब पैसा हो जाएगा कल को मेरे को लगेगा मैं 50 साल की उम्र में हो गया, नहीं भाई हाई डेंसिटी लेना, तो JCB लाई, पट्टा बगीचा, पैसे थे, हाई डेंसिटी लगाया, 3 साल में फसल शुरू। लेट नहीं, हाई डेंसिटी के लिए कभी आप लेट नहीं होंगे, मगर एक प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा आपको। तो रूस्टॉक के बारे में ये चीजें, वैरायटी की दौड़ ना करें, सिलेक्टेड वैरायटी पे काम करें, खास तौर पर गाला की अगर मैं बात करूं, अगर आप अलग अलग वैरायटी के गाला लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम है। एक गाला आज तैयार होता है, दूसरा गाला हफ्ते के बाद, तीसरा उसके अगले हफ्ते, तो आप उसी में पागल हो जाएंगे कि तोड़ू तो बीजू कैसे बेचूंगा, होगी ना जी दिक्कत, क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग है हमारे पास। आपको पता है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में कितने बड़े फार्मर हैं, जितना आपके पूरे क्षेत्र में मंडी है ना, जहां सेब बूता है, जितना पूरा क्षेत्र वहां एक ही फार्मर के पास जितने फार्म हो गए, कई 1000 हेक्टेयर लैंड है जिसपे एक ही फार्मर काम करता है, हमारे यहाँ छोटे छोटे क्लस्टर। तो हमारे को विशेष ध्यान रखना है कि जब आप कोई वैरायटी लगाते हैं तो 200-250 पौधों से वैरायटी का जरूर हो, कल को एक पिकअप आएगी तो मंडी तक तो पहुंचेंगे, सही बोल रहा हूं? प्रॉब्लम आई अगर आप सोशल मीडिया पे देखते रहेंगे, लाल पीला हरा नीला दिखाते गोल गोल घुमा के, पूरे बगीचे में एक दाना होता है, आधे से 100 मिनट से डाउनलोड किए होते हैं, और आप लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। जो बगीचे में जब वैरायटी सिलेक्शन होती है तो आप करते हैं, वो कोई और नहीं कर सकता। जब सैंपल आएगा उसको 2-3 साल मॉनिटर करना पड़ता है, उसके बाद उसकी सिलेक्शन होती है।
तो इसीलिए आपको वैरायटी के दौड़ भी छोड़नी पड़ेगी, रूस्ट और पे जरूर शिफ्ट कर स्विच करो, मगर पहले मेरी इन विशेष बातों का ध्यान रखें। अब बहुत सारी जगह ऐसी है कि रीप्लांटेशन साइड है, जब रीप्लांटेशन आएगी तो आपको पहले तो रीप्लांटेशन डिजीज से जूझना पड़ेगा, और आपको मैं बता दूं हमारे देश में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो रीप्लांटेशन डिजीज को खत्म कर रहा है। मैंने लास्ट ईयर जब मैं आईसीआर गया था तो वहां मैंने एक मुद्दा उठाया था कृषि मंत्री जी के पास के जी हम रिटर्न में दिया था मैंने सारे आईसीआर से लेकर सब लोगों को कि क्लोरोक्विकलिन गैस को इम्पोर्ट करने की इजाजत दी जाए, पूरे वर्ल्ड वाइड उसको इस्तेमाल किया था। हाँ, उससे कैंसर की वो है अगर उसको मिसयूज करेंगे, तो हमने बोला कि एक विंडो सिस्टम करिए, एक शिफ्ट में आएगा, मान लो मंडी का क्षेत्र है उसको सैनिटाइज करना है, वहां की पूरी मिट्टी को सैनिटाइज करवाइए डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी के थ्रू, उसके बाद उसको वापस हमने क्या करना, हमने अचार थोड़ी डालना। तो एक टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना, हमने बड़ी जरूरत शुरू से बात रखी कि भाई अगर टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हमारे फार्मर से तो सिर्फ बात करने से या एक दुगनी थोड़ी ही होगी, हमारे को टेक्नोलॉजी चाहिए ना जी। तो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे को लड़ना भी पड़ेगा और बात भी रखनी पड़ेगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रीप्लांटेशन साइड पे जब खासतौर पर आप जाते हैं तो आप M9 का चयन बड़ी सावधानी पूर्वक करें। नई जमीन है, वर्जन सॉइल है, वहाँ सॉइल का पुश भी अच्छा होता है, फर्टिलिटी अच्छी होती है, वहाँ आप M9 पे कर सकते हैं काम। अदरवाइज आप 793 रीप्लांटेशन रूफटॉप पे भी जा सकते हैं। तो अब मैं ये चाहूंगा कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप पूछे, फिर हम फील्ड पे जाएंगे, फिर रूनिंग और ट्रेनिंग तो फील्ड पे जाएंगे। किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई जानकारी चाहता है भविष्य की बागवानी को लेके।